शाम को पति घर पे आता है, हाथ में उसकी अटैची है। घरवाली कहती है, अटैची कहाँ से ले आए? और मैं कब से आपको दोपहर से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ध्यान देना, बड़ी कीमती बात है। घरवाली झगड़ा करने लगी, कहने लगा बेटा उसका घरवाला के माँ को लेने गया था, एमरजेंसी आ गई थी, माँ को लेने गया था, घर से निकाल दिया गया था उसे। प्यार से बोलिए धन गुरनार, धन गुरनार। घरवाली झगड़ पड़ी, अगर आपके भाई ने घर से निकाल दिया है तो हमारे घर में आके रहेगी, मेरे घर में जगह नहीं। अभी नीचे जाओ, सामान लेकर उसे वहीं छोड़कर आओ या वृद्ध आश्रम छोड़ के आओ, मेरे घर में जगह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पति कहता है, जरा पीछे मुड़ के तो देख। पीछे मुड़ के देखा तो इसकी माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब चुप कर गई, अब क्या बोले। उसे लगा उसके घर वाले की माँ, और जब देखा इसकी माँ, कहने लगा, तेरे भाई ने इसे घर से निकाल दिया था, एमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा, इसे लेकर आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो, ये हम यहाँ पर आके क्या सीखते हैं रोज, कि बिसर गई सब तात पर आई, जबते साथ संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाए। बानी तो ये कहती है कि दूसरे और अपने में भेद मत समझो। यहाँ पर तो हम माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसकी वजह क्या है, ये आजकल के सीरियल अगर बड़ी ध्यान से विचार करेंगे साथ संगत जी, महाभारत के युद्ध में इतना युद्ध नहीं हुआ जितने आजकल के सीरियल में सास बहू के झगड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और जिस घर में ये सीरियल चलते होंगे वो माँ अपनी बेटी को तो यही सिखाएगी ना, वो कैसे सिखाएगी कि सास को माँ समझना, वो तो कहेगी कि सास को सास ही समझना। सारी प्रॉब्लम, मैंने पहले कहा था, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, सारा दोष माताओं के ऊपर निकाला है कि शादी के बाद लड़का अलग होता है, पहले क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है। एक नई लड़की ही आती है ना घर में, वो मत खराब करती है ना बेटे की। बेटे का दोष है अपनी जगह पर शुरुआत कहां से हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो सास अपनी बेटी को यह शिक्षा दे रही है कि अपनी जाकर, जो माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि सास को सास समझना, माँ नहीं, वो चाहे यहाँ पर आके कितना भी यहाँ पर सत्संग करती रहे, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझो साथ संगत जी, ज्ञान की बात यह है कि अपने माता पिता का सत्कार छोड़कर दया धर्म दान नाम व्रत पूजा तीर्थ करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। वेद शास्त्र कहते हैं, ये वाणी कहती है, ये महापुरुषों के वचन है, ये भाई गुरुदास जी की वारे कहती है। और दूसरी तरफ चाहे कुछ भी ना करो, केवल माता पिता की सेवा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमें यह सुमत मिले, यह सुमत मिले जो गुरु हरगोविंद साहिब जी ने, छेवें गुरु नानक ने अपनी बेटी को दी, कि जहां पर तेरे सास ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में हर जगह पे भगवान है। अरे जिसे अपने माता पिता में नहीं दिखाई दिए उसे कण कण में क्या खाक दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। गुरु मेहर करे हमें सुमत बख्शे, हम माता पिता का सत्कार करें, ये वृद्ध आश्रम बंद हो जाए सारे। वो तब बंद हो सकते हैं जब ये जागृति आ जाए कि माता पिता है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन।